मुझे ड्राइंग के लिए एक अच्छा सा आइडिया चाहिए था, दैट्स व्हाई मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कहा था कि मुझे कुछ क्रेजीएस्ट ड्राइंग के आइडिया दो नए वीडियो के लिए। और मैंने अपने 18 से 34 साल के बीच वाली ऑडियंस से कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था पता नहीं कैसे कैसे आइडियाज देखने को मिलेंगे। एंड व्हाट यू आर आस्किंग मी टू ड्रॉ इज, भाई जोरो को ड्रॉ करो, मतलब सीरियसली ये तुम्हारे क्रेजीएस्ट आइडियाज है। एंड उसके बाद में मैंने ये एग्जाम्पल लगाया यहाँ पर ताकि तुम्हें समझने में आसानी हो मुझे आइडियाज कैसे चाहिए। एंड स्टिल तुम क्या बोल रहे हो मुझे, ब्रो ड्रॉ गट। चलो अगला कमेंट देखते हैं। He is asking me to draw Rengoku as a female character. वैसे ये आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन इसे डायरेक्टली ड्रॉ करने में वो वाला मजा नहीं आएगा। तो क्यों ना इसकी पूरी स्टोरी बनाए कि आखिर क्यों रेंगोकू मेल से फीमेल में ट्रांसफॉर्म हुआ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी डीमन स्लेयर वर्स में स्टार्ट होती है, जहाँ पर मित्सुरी को हर कोई पसंद करता था, मतलब कि वो जहाँ भी जाती वहाँ पर लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लिया करती थी। लेकिन इन सब चीजों से हमारे एक बंदे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा जेलस भी था। और वो बंदा और कोई नहीं बल्कि था हमारा रेंगोकू। अब वो इतना जेलस इसलिए था क्योंकि रेंगोकू को इतना कोई अटेंशन नहीं देता था, और जहाँ मित्सुरी को देख के सभी के चेहरे खिलखिला उठते थे, उसी जगह अगर रेंगोकू आ जाता था तो जाना ही क्यों सभी का मूड खराब हो जाता था। और ये चीज रेंगोकू को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। और एक दिन वो तय करता है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को छोड़ के चला जाएगा। वो रात को जगह छोड़ के निकल जाता है और ट्रेन में बैठता है। अब फिलहाल उसको खुद को भी नहीं पता वो कहाँ जाने वाला है, बस वो ट्रेन में बैठ जाता है और सफर पे निकल पड़ता है। लेकिन उसके उदास चेहरे को देख के वहाँ पर एक औरत आती है जो कि और कोई नहीं बल्कि सुनाड़ी थी। सुनाड़ी रेंगोकू से पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। देन रेंगोकू उसे पूरी कहानी बताता है। देन सुनाड़ी उसे एक आइडिया देती है कि वो उसे एक लड़की बना देगी ताकि सभी का अटेंशन मित्सुरी से हटके रेंगोकू पे आ जाए। ये सुनने के बाद रेंगोकू थोड़ा सा सोचता है और फिर वो लड़की बनने के लिए हाँ कर देता है। देन लेडी सुनाड़ी एक अपना जुस्सू परफॉर्म करती है और रेंगोकू को लड़की बना लेती है। और अब हम ड्रॉ करने वाले हैं रेंगोकू की फीमेल वर्जन को। तो चलो अब जल्दी से आउटलाइन स्टार्ट कर लेते हैं। आउटलाइन तो हो गई है, चलो अब सीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आई लेसेस कर रहा हूँ। अभी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि फिर से पिछली बार की तरह फेस सीटिंग खराब ना हो जाए। अब फेस में सीटिंग करने का वक्त हो गया है। और एक और बार मैंने फेस को खराब कर दिया है। अब ऐसे वक्त में मुझे लगता है क्रिएटिविटी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये नेक वीडियो की तरह लग रहा है। सो हो गई फेस सेटिंग यहाँ पर। हाँ मैंने आगे की फेस सेटिंग रिकॉर्ड नहीं की है क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में ही पहले वो गलती हुई थी, और वो तो अच्छा हुआ मैंने उसको फिक्स कर लिया। बट आई डोंट नो कि अगर दोबारा गलती होती तो मैं इसे ठीक कर पाता कि नहीं कर पाता। सो आफ्टर फेस वी आर मूविंग टू द हेयर्स। बाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स है बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे इसे। चिंता मत करो, तुम्हें पूरा टाइम लैप्स दिखा के बोर नहीं करूंगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू क्लोथ शेडिंग। आई नो कि तुम्हें क्लोथ शेडिंग का ट्यूटोरियल चाहिए, बट इसे समझाना इज नॉट इजी फॉर मी। इवन इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक टिप है विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो टिप ये है कि एनालाइज करना स्टार्ट करो। तुम अभी जिस भी पोजिशन में बैठे हो, लेटे हो या खड़े हो, तुमने कुछ ना कुछ तो पहना ही होगा, जाहिर सी बात है बिना कपड़ों के तो। हाँ तो तुमने जो भी पहना है उसे एनालाइज करो कि क्लोथ के जिस पार्ट पर लाइट पड़ रही है उसकी वजह से कौन सा पार्ट लाइट है, कौन सा डार्क है, कहाँ पर शैडोज बन रही है, एंड साथ ही कौन सा तुम्हारा क्लोथ का पार्ट है जो कि शामिल हो रहा है। और ऐसे सिर्फ एनालाइज करके तुम्हारी स्किल्स काफी हद तक इम्प्रूव नहीं हो सकती, क्योंकि तुम सिर्फ चीजों को देख के ड्राइंग नहीं सीख सकते। इसके लिए तुम्हें एनालाइज करने के साथ साथ में उसे पेपर पे भी उतारना है यूजिंग पेन नॉट पेंसिल। एंड व्हाई नॉट पेंसिल, क्योंकि पेन से मिस्टेक्स होने पे तुम उसे इरेज नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई यू विल बी मोर फोकस्ड व्हाइल ड्राइंग, और यही फोकस तुम्हारी ड्राइंग को काफी जल्दी इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। एंड या दिस इज नॉट फॉर क्लोथ्स ओनली, तुम इस तरीके से और भी चीजों को बनाना सीख सकते हो। सो अभी के लिए Do 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 do